नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सेवेंथ एपिसोड ऑफ म्यूजिकल म्यूजिंग्स। आई एम धनंजय हेगडे। टुडेज गेस्ट इज पंडित भरत कामत जी। उन्होंने मुझे पंडित प्लीज मत कहो, ये उनकी बड़प्पन है कि उन्होंने ऐसा कहा, लेकिन हम जैसे जो युवा कलाकार है जो संगीत सीख रहे हैं, उनका जो ज्ञान है और उनका जो सांगीतिक जीवन है, उससे हम जरूर ये कह सकते हैं कि वो वाकई पंडित है। हम जब भी भरत जी का नाम लेते हैं तो हमें हमको भरत जी का याद से जुड़ती है दो चेहरा, वो है भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी जी और गान सरस्वती किशोरीताई अमोनकर जी, क्योंकि इन दोनों के साथ लंबी समय के लिए, बहुत बहुत लंबे समय के लिए इन्होंने उनके साथ संगत किया है। तो ऐसे एक गुणी कलाकार के साथ हम आज जुड़ रहे हैं, मैं समझता हूं ये हमारे सौभाग्य की बात है। मैं ज्यादा देर करते न करते हुए मैं भरत जी को निमंत्रण देता हूं हमारा साथ उनका विचार रखने के लिए। नमस्कार जी। नमस्कार भरत जी। नमस्कार नमस्कार। आपकी आवाज कम आ रही है। मेरे आवाज अभी ठीक है जी। देखो ये देखो क्या है, इसको बोलते हैं एक विचार मेरी और संगीत का विचार आप मिलता जुलता है। आप हमने तो तय नहीं किया था कि क्या पहनना है, कलर भी सेम है। जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आप आज हमारे साथ जुड़े, इसके लिए मैं आपको बहुत, सभी जो दर्शक है उनकी तरफ से और मेरी तरफ से मैं आपको धन्यवाद कहना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। मैं आपको धन्यवाद, आपने अच्छा पहले ही आपने बता दिया कि मैंने आपको कहा भी था और मेरी हम्बल रिक्वेस्ट थी कि आप मुझे पंडित मत कहिए, क्योंकि पांडित्य आने के लिए, हमारे पिताजी कहते थे पांडित्य आने के लिए 12 जन्म लेने पड़ते हैं। अरे बाबा, और ये तो मेरा पहला ही है। जी, ये तो मेरा पहला जन्म है, तो फिर जी, आगे देखेंगे। और मुझे यही लगता है कि आदमी ने आदमी को पंडित जी कहना, ये मुझे ठीक नहीं लगता। और अगर साक्षात सरस्वती देवी प्रकट हो गई और आपको दे दिया पंडित पदवी तो बात अलग है, लेकिन उसके लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो पंडित तो बहुत है, क्योंकि पंडित भारत रत्न भीमसेन जी के साथ मैं था, इसका मतलब मैं पंडित नहीं हो गया। इसके बारे में हम लोग विचार विमर्श बाद में करेंगे जरूर, लेकिन हमारे लिए जो आपने जो इन दोनों महारथियों के साथ गुजारा है, ये आपको, क्योंकि क्या है वो जो आपने इन दोनों के साथ पाया, वो तो अनमोल है, वो सबको नहीं मिलता है ये भाग्य, सिर्फ कुछ लोगों को ही मिलता है, उसमें आप एक है। बात करेंगे इनके बारे में, इन दोनों महारथियों के बारे में। मैं पहले आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपके जो दादाजी है जी, शांताराम कामत जी, वो बहुत मराठी नाट्य नाटक में, मराठी सामा कंपनी में, थिएटर में काम करने वाले महान हस्ती जी, तो जी, उनके बारे में थोड़ा आप बताइए हमें। जी जी, उनका
जन्म 1903 में हुआ था, गोवा में कवड़े नाम का जो गांव है उसमें। और उनके पिताजी कीर्तनकार थे, मतलब वो कीर्तन परंपरा हमारे घर में है ही मतलब। पता हुआ कि 1914 में उनका पहली एंट्री उनकी जब थी, वो दीनानाथ मंगेशकर जी ने रेकमेंड किया था उनका नाम, तो उनका पहला संगीत नाटक में जो एंट्री हुआ वो 1914 में किर्लोस्कर नाटक मंडली में, और तब वो थी हैदराबाद में। हाँ, क्योंकि उस टाइम होता क्या था कि बहुत सारे बच्चे ऐसे गांव में जो होते हैं, कोई गाता है तो वो नाटक मंडली वाले ढूंढते रहते हो कि किस गांव में कौन बच्चा गाता है, या कोई कलाकार छोटा या बाल कलाकार। तो बाल कलाकार की वजह से दीनानाथ जी ने मेरे दादाजी का नाम रख दिया था किर्लोस्कर कंपनी में। तो वहां से उनकी जर्नी शुरू हुई। आगे 43 ईयर्स उन्होंने संगीत नाटक की सेवा की, और उनके 1928 में उनके रिकॉर्ड्स निकले हैं 78 RPM, उनके 50 गाने भी हैं, और बहुत सी अलग अलग नाटक, मतलब संगीत प्रदान, संगीत वरवंचना, स्त्री साम्राज्य, म्यूनिसिपालिटी, उनका बहुत जो बहुत ही फेमस हुआ वो जो नाटक, और स्त्री साम्राज्य, संगीत विनोद, और हिंदी उर्दू अनेक नाटक की, उसके संगीतकार उसमें थे, उस पूरे नाटक के संगीतकार थे गोविंदराव टेंबे जी, और वो लिखे थे माधवराव जोशी। तो उन्होंने बहुत अपनी पूरी जिंदगी उसमें लगा दी, बहुत कष्ट किया, बहुत, मतलब मैं कहता हूं कि उन्होंने जो कष्ट किया है उसके फल हम लोग खा रहे हैं, मतलब बिल्कुल। क्योंकि उन्होंने वो जो बीज रोपा और उसको पिताजी रहे, जी काफी मुझे मतलब हमारे बीच में जो बात हुई थी उसमें आपने ये भी कहा था कि वो बाल गंधर्व जी के का कंटेम्पररी थे उस समय के। हाँ, और मतलब स्त्री पार्टी, मतलब स्त्री भूमिका थी उनकी। ओ हाँ, मतलब अगर या कालीचार का हमारा जो ऊपर का सा लगता है वो उनका नीचे का सा था, जी जी और हमारा तार सप्तक का जो होता है वो उनका ऊपर का सा था। मतलब वो हाई पिच में गाते थे क्योंकि वो एक तो आदत थी विदाउट माइक गाने की, तो वैसे ही उनको तालीम मिली थी, और दीनानाथ जी से शिक्षा ली, बहुत नाटक कंपनी में जो जो भी गुरु मिले उनसे भी सीखा है। तो पूरा पूरा जर्नी उनका ऐसे ही 43 ईयर्स बाद, मतलब हमेशा ऐसा होता है कि जैसे सर्कस आपने देखी है कि सर्कस एक गांव में आती है तो वही 2-3 महीना रुकती है, तो वैसे नाटक कंपनी 6-6 महीने ग्वालियर इंदौर ऐसे होती थी, तो छोटे छोटे गांव में भी होती थी वो। तो मेरे पिताजी का जन्म भी नाटक कंपनी में ही हुआ, जब वो धुलिया में, नासिक के आगे जो धुले करके जो, उसमें उनका जन्म हुआ। जी उसके बाद आपके पिताजी जी पंडित चंद्रकांत कामत जी, जो जी हम सब के लिए वो ऋषितुल्य व्यक्तिमत्व था, तो बिल्कुल उनके बारे में आप थोड़ा बताइए कि उनका सांगीतिक जीवन कैसे प्रारंभ हुआ, उन वो किनके पास उनकी शिक्षा हुई, उसके जी, उनका बारे में थोड़ा हम जानना चाहेंगे। पूरा बचपन जो था वो पूरा नाटक कंपनी में था, मतलब वो पैदा हुए वहीं पे धुलिया, धुलिये में, धुलिये गांव में, वहां नाटक कंपनी थी। तो उनका भी वैसा ही जर्नी हुआ जैसे उनके पिता का हुआ, कि वो भी शुरू से ही नाटक में काम करने लगे ऐसे बाल कलाकार, लेकिन उनका ध्यान ज्यादातर तबले की तरफ था। तो वहां पे एक नाटक कंपनी में दिगंबर वस्ताद करके एक थे, यमाजी जी कदम करके उनका नाम था, लेकिन उनको बोलते थे दिगंबर वस्ताद। तो उनसे मेरे ख्याल से 10 साल की उम्र से उनका वो तबले का शिक्षा शुरू हो गया। तब तक वो नाटक कंपनी में जो भी काम पड़े वो करते थे, मतलब कपड़े पट है, रंग पट है, कहीं भी हो, तो
या फिर ऐसे होता था कि वहां पे एक तो हर गांव में कोई बिजली नहीं थी नाटक के लिए, तो वो रॉकेल घासलेट जो है उसके उसको लेने लेके फिर उसकी बत्ती बनाते थे, मतलब मराठी में कंदील मनता था, गैस बत्ती के वहां अच्छी बत्ती। तो फिर वो ऐसे बहुत सी बत्तियां स्टेज पे रखना है, ऑडियंस पे रखना है, कुछ ग्रीन रूम में रखना है। ग्रीन रूम मतलब वो जो भी पंडाल भी होता है। और मेरी ग्रैंडमदर जो थी वो पूरे नाटक कंपनी का पूरा खाने का इंतजाम उनके हाथ का था, मतलब पूरी कैटरिंग व्यवस्था गई। वो करती थी, मतलब पूरे 50 लोगों का खाना वो अकेले बनाती थी। जी तो वैसा ही पिताजी का जन्म वैसा ही हुआ, उन्होंने भी नाटक में शुरुआत में काम किया, बहुत से कंपनी में काम किया, प्रभाकर संगीत मंडली, आनंद विलास, ये उसके बाद कोई थे पाटण कर करके, उनकी कंपनी में उन्होंने काम किया। फिर 1952 में वो सब, 1952 के बाद सब नाटक की वो पूरा व्यवसाय बंद होने लगा, तो सब नाटक कंपनियां बंद पड़ गई और इसकी वजह से वो पूना आ गए। तो पूना आने के बाद मतलब पिताजी के लिए मेरे दादाजी ने एक चिट्ठी दे दी थी, रिकमेंडेशन लेटर जिसको बोलते हैं, तो अप्पा जागवकर जी पूना में रहते थे, मतलब वो गांधर्व महाविद्यालय जो शनिवार पेठ में है उसके सामने, जहाँ डीवी पलुस्कर रहते थे उनके सामने ही अप्पा जी सामने वाले एक पुराना वाड़ा था उसमें रहते थे। तो उनके नाम से मेरे दादाजी ने पिताजी को एक चिट्ठी लिखी कि आप वहां पे पूना, आप ये चिट्ठी उनको दिखाइए, मैं उनको जानता हूँ, तो आप वो कुछ काम आपको दे देंगे पूना में, क्योंकि पूना में आने के बाद उनके लिए घर नहीं था, कुछ नहीं था, मतलब वो अकेले आए और कुछ भी नहीं था। फिर वो पाजी जळगावकर जी से उनकी मुलाकात जब हुई, तब उन्होंने पूछा कि आप कहाँ से आ गए, तो उन्होंने कहा नाटक कंपनी से है, तो उन्होंने कहा आप डांस बजाते हैं, तो पिताजी ने कहा हाँ डांस हम बजाते हैं, कहाँ बजाया है, तो उन्होंने नाटक कंपनी में डांस सीखे भी हैं और बजाया भी है। तो उन्होंने कहा रोहिणी भाटी जी यहाँ पे पूना में है, उनका एक क्लास है, तो उनके लिए एक रियाज के लिए एक तबला वादक चाहिए, तो आप कल आ जाइए। तो फिर वो शुरुआत हो गई, तो वहां वो जो चिपक गए एक बार, वो 15 साल आगे बेबीताई के साथ उन्होंने डांस बजाया। फिर 1956 में उनका ऑडिशन हुआ आकाशवाणी के लिए, और वहां से फिर वो एज अ स्टाफ आर्टिस्ट वहां पे ज्वाइन हो गए, और 91 में रिटायर हो गए, मतलब 36 साल उन्होंने आकाशवाणी में सर्विस की है एज अ तबला प्लेयर। तो उस आकाशवाणी के माध्यम की वजह से उनका, एक तो जब वो ज्वाइन हुए तब वहां पे लाइव ब्रॉडकास्ट होते थे, आजकल जैसे रिकॉर्डिंग नहीं होते थे, तो वहां पे उन्होंने बेहरे बुआ, पाध्ये बुआ, अंतु बुआ, मीराशी बुआ, गंधर्व पटवर्धन, नारायण राव व्यास, फिर ये सब लोग, और बाद में भीमसेन जी, कुमार जी, जसराज, बाकी इंस्ट्रूमेंटलिस्ट प्रभाकर, ये श्रीधर पारसेकर, उनके साथ बहुत बजाया उन्होंने, बहुत ही बजाया, और कार्तिक कुमार जी, हरिप्रसाद जी, सब लोग, क्योंकि ये आकाशवाणी की वजह बहुत आर्ट से उनका जुड़ना हुआ। और फिर सवाई गंधर्व फेस्टिवल में सेकंड सवाई के जब शुरू हुआ, पहले वाले में नहीं थे, पहला सवाई जब हुआ तब शेख दाऊद साहब थे वहां पे बुक, उसके दूसरे सवाई से आगे 52 ईयर्स उन्होंने सवाई में बजाया। अरे वाह, और आप तो जानते ही, भीमसेन जी के साथ उन्होंने 25 25 साल बजाया हुआ, वो तो सब जानते हैं। नहीं, ये सब सच्ची में हम लोग एक 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 स्फूर्तिदायक, क्योंकि ऐसे बिल्कुल उन्हीं कलाकार जो हो गए हमारा इधर जी संगीत में, मतलब हम लोग को सीखने का जैसा ये सब सच्ची में एक एक विद्या बोल सकते हैं इसको, कि हम लोग ये मेरा मेरा बिल्कुल सौभाग्य है कि ऐसे, मतलब मराठी मध्ये आपण ज्याला म्हणतो की वारसा आणि परंपरा, तर करेक्ट अशा संगीत परंपरा
माझा जन्म झाला हे माझं खूप मोठं भाग्य आहे. यस यस डेफिनेटली वो तो है. भरत जी अभी आपका तालीम के बारे में अगर थोड़ा बताएंगे, आपकी कैसा आपका आपके तबले के ऊपर कैसा आपको रुझान था, क्योंकि घर पे तबला था पिताजी बजाते थे, इसके लिए आए या आपको खुद को ऐसा लगा कि मुझे करना चाहिए, कैसा हुआ? क्योंकि आपके भाई भी श्री सुभाष, हाँ जी हाँ जी, दोनों तो आप दोनों इतने अच्छे तबला का कलाकार उभरे उस घर से, तो कैसे आपका तालीम प्रारंभ हुआ? नहीं, मेरा मेरा बचपन जो था वो पूरा मतलब मराठी मध्ये आपण म्हणायचं तर मुलांसाठी जी खेळणी असतात घरामध्ये, तर माझ्यासाठी खेलो नाही था वो तबला, मतलब मी मेरे लिए खेलो नाही था. तो वो बचपन से जब मैं बैठने लगा तब से मैं तबला बजाता हूँ. मतलब छोटा बच्चा जब बैठता है सवा सवा डेढ़ साल का, तब से चलने लगा. तो एक तो बड़े भाई को हम देखते रहे कि वो भी इंस्पिरेशन था. मैं 5-6 साल का जब हुआ तब उनके सब प्रोग्राम में मैं जाता रहा हूं उनके साथ, और वो तो संस्कार हुए मेरे ऊपर. भीमसेन जी का गाना तब से मैं सुन रहा था, तो मुझे वो दिमाग में था कि क्योंकि वो हर एक अपने पिताजी तो आइडल होते हैं, तो मुझे भी ऐसा कि एक दिन हमें भी बजाना है. ये बहुत बहुत कम उम्र में मैंने तय किया था, और मुझे वो मेरी इच्छा थी, मतलब कि हमें भी ऐसा बजाना है. क्योंकि एक किस्सा मुझे याद है, वो मुझे मैं बहुत छोटा था, अजय बोन जी का गाना था लक्ष्मी क्रीड़ा मंदिर पूना में. और हर एक मुझे आदत थी कि किसी जब पिताजी की किसी के साथ बजा रहे हैं तो मैं सामने बैठ के उनका गाना सुनता था, या फिर स्टेज पे बाजू में बैठता था. बाद में मैं थोड़ा सा बड़ा हुआ तो मैं सामने बैठने लगा, तो सामने से मैं अपने पिताजी को हमेशा कहता था कि मुझे बजाना है, मुझे बजाना है, आप मुझे एक गाना बजाने दीजिए. तो वो अजय पोनकर जी ने पॉइंट आउट किया कि वो क्या कह रहा है आपका बच्चा, भरत की इच्छा क्या है? पिताजी ने कहा नहीं, उसको बजाना है. तो उन्होंने कहा जी आ जाओ, एक तो एक बंदिश मेरे साथ वो गाए. अरे वाह. तो मतलब म्यूजिक में ही पूरा मेरा वातावरण ही वैसे था, माहौल ही पूरा था. तो पिताजी आकाशवाणी में सर्विस में थे. सॉरी, शाम क्या होगी तभी जब आपने अजय जी के साथ बजाया? मेरे ख्याल से ऐसे कुछ 10-11 साल होगा. जी. मेरा पहला प्रोग्राम मुझे याद है जब मैं 5 साल था, मैं मेरे बड़े भाई सुभाष, और क्योंकि सुभाष में और मेरे में अंतर 6 साल का अंतर है, तो वो उन्होंने और मैंने विनायक बाबा पटवर जी जन जी के सामने हमने सोलो बजाया था. वो मुझे याद है, बिल्कुल याद है, बिल्कुल याद है. और मुझे वो उस टाइम उन्होंने 5 रुपए मुझे बख्शीश दिए थे, वो भी मुझे याद है. वो 5 रुपए नहीं लगा सकता. नहीं नहीं, वो 5 रुपए की कीमत ही नहीं, कि उसी 5 रुपए पे हम लोग जी रहे हैं बस. वो जो आशीर्वाद रूपी जो मिले थे उसी पे हम जी रहे हैं बस. सच्ची में, सच्ची में ये तो तालीम के बारे में बोल रहे थे. तो हम शाम के आने के बाद सुबह एक तो बिल्कुल घर में सिर्फ तबला बजता था, बाकी कुछ नहीं, और रेडियो पे गाने सुनते थे, क्योंकि दूसरा माध्यम तो नहीं था, टीवी नहीं था, कुछ नहीं था. और पिताजी कहते थे कि ये सुनो वो सुनो, क्योंकि एक तो वो आकाशवाणी में थे तो उनको पता होता है कि किसका ब्रॉडकास्ट आज होने वाला है. जी. तो वो हमें बताते थे कि आज इनका गाना है, ये सुनो. और अलग अलग आर्टिस्ट के उस टाइम लालजी गोखले जी वहां पे थे, बहुत बड़े तबला वादक, तो उनकी संगत मुझे बहुत अच्छी लगती थी, मैं बहुत उनका फैन था, अभी भी हूं मतलब. तो पिताजी ने ऐसा नहीं कहा कि मेरा सिर्फ, बाकी का भी सुनो, कि बहुत बड़े तबला वादक थे उस जमाने में. तो हमारी तालीम जब वो आते थे रेडियो से, तो शाम को हमें दोनों को वो तालीम के लिए बैठाते थे. तो हमारी ऐसी हुई जब मतलब बैठने की तरफ, कैसे बैठना है, कैसे सीधा बैठना है, और पोस्चर कैसे रखना है,
फिर जो बेसिक कायदा जो धाधा तिट धाधा तुन्ना ताता तिट्टी धाधा धुन्ना धिन्ना, ये जो हमें पूरा सिखाया जाता है, लेकिन उसकी लय हमें जो बताई वो थी धा हा 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 ये लय 2 घंटा चलनी चाहिए। हाँ तो मतलब ये जो मैं बोल रहा हूं ना धा आ, तो ये आ कैसे निकालेंगे, तो वो बाएं का काम है। जी मतलब जितना हम लोग सांस लेते हैं उस हिसाब से वो बाया तब तक बजना चाहिए। ये है, ये सीख पहले से ही दी गुरु ने, वो जो करके लिया उन्होंने उसका फायदा मुझे अब मुझे पता चल रहा है इसका फायदा संगत में के लिए क्या है। मतलब आप लोग जब गाते हैं आपकी सांस जितनी होती है उतना धा दिन का जो बीच का अंतर है वो मुझे मेंटेन करना है, तो इसका काम ये बाया करता है, तो इसका फायदा मुझे ये तालीम से मिला धा धा धा। तो आ जो है वो बाया से, उनका कहना था कि एक लय आप अगर कोई कायदा बजा रहे हैं, एक लय पकड़ी है और उसके 2 घंटा उससे हिलना नहीं है, बिल्कुल उसकी मतलब ओ ते म्हणायचे कि हलवायची नाही लय, आणि लय हलवली की मग ते कधी मारलं नाही, मारायची वेळ आली नाही, क्योंकि इनके हाथ बड़े थे, मतलब मेरा जो एक हाथ है वो उनका डबल था ओ तो बहुत तगड़े थे वो, तो किसी ने किसी को मारा नहीं उन्होंने, लेकिन उनका कहना था कि वो एक लय हमेशा 2 घंटे के लिए कायम रहनी चाहिए, तो ऐसी तालीम जी हुई। जी और उस टाइम तो कोई अपना नगमे के लिए कोई नहीं था, तो जो नगमा अगर आप अलग आपको नगमे की जरूरत ही नहीं है, तो वैसे ताल पक्का हो जाता है उससे तो सही सही सही। नहीं, बहुत ही सटीक बात आपने बताई कि जी पर आपके पिता कि आजकल क्या होता है वो जो इलेक्ट्रॉनिक नगमा जो है तो उसमें और आप में लय नहीं मिलती है, वो आर्टिफिशियल नहीं लय के साथ बजाना, क्योंकि ह्यूमन लय एक अलग होती है। अब मैं से तो उसका कुछ फायदा नहीं है, तो उसके ऊपर बहुत एक कोटी करते थे हमारे पिताजी, मतलब ये उन्होंने एक मशीन देखा वो ताल माला जिसको हम लोग करते तबले का मशीन है ना ताल माला, तो वह कहते थे ताल माला नहीं ताल मला आला पाहिजे म्हणले, मुझे ताल आना चाहिए ताल माला, माला करके कुछ नहीं होगा, मुझे आना चाहिए मला आना चाहिए सटीक बात उन्होंने कही है। जी मैं सच्ची में भाग्यवान समझता हूँ, मुझे एक दो बार उनसे मिलने का मौका मिला, भीमसेन जी जी के घर जी उनका आशीर्वाद लिया मैंने, तो बहुत ही मुझे मैं सच्ची में मैं बहुत भाग्यशाली मानता हूँ कि ऐसे एक संत कलाकार से मुझे मतलब मिलने के एक मैं और उनका उनका आशीर्वाद लिया मैंने, तो मुझे बहुत बिल्कुल बिल्कुल। मतलब मैंने पिताजी को जो बचपन से सॉरी जी सॉरी सॉरी मैंने जो बचपन से उनका सुना है जिनके साथ, मतलब उसमें हीराबाई बड़ोदेकर, विनायक बाबा पटवर्धन जी, निवृत्ति बा सरनाईक, मल्लिकार्जुन मंसूर जी, कुमार गंधर्व जी, किशोर यामोंडकर, प्रभात रे, भीमसेन जी, बसवराज जी, वसंतराव देशपांडे, फिरोज बजाया, जसराज जी के साथ बजाया, कार्तिक कुमार, सज्जाद हुसैन, सज्जाद हुसैन जब भी महाराष्ट्र पूना में आते थे
पिताजी के साथ ही बजाते थे। वो उनका आग्रह था बिल्कुल कि मुझे चंद्रकांत कामत ही चाहिए। और बाकी सब लोग जो भावगीत गायक जो थे उस जमाने में, तो जी ओ उन उनके साथ भी बहुत उन्होंने बजाया। मतलब गजानंद राव इटवे हैं, लावणी भी बजाई उन्होंने सुलोचना चव्हाण करके। तो उनका कहना था कि तबला वादक को आरती पासून लावणी पर्यंत सगळ्या गोष्टी वाजवता आल्या पाहिजेत। वाह क्या बात है। आरती से शुरुआत होगी और लावणी तक खत्म। बीच में वाला जो है, द्रौपदी है, ख्याल भी है, ठुमरी है, दादरा है, जो भी है, वो सब आपको आना चाहिए। और आप गा भी गा, गा गाना या आना चाहिए आपको, वो गा भी सकते हैं आप। जी भरत जी, अभी मैं उस बात पे आता हूँ जो मुझे मुझे बताया प्रिय सब्जेक्ट है, जो हमारे सब हम लोग जिनको संगीत में भगवान मानते जी हैं, पंडित भीमसेन जोशी जी, जी उनके साथ आपका पहले कैसा, आपने पहले मतलब आपको कैसा उन्होंने चुना कि आप उनके साथ बजा सकते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से आपका और उनके उम्र में काफी फर्क है, जी बहुत तो बहुत फर्क है, तो कैसे आपको वो पहले बार जब भी बोले कि आप मेरे साथ बजाइए, तो एक तो जी आपकी कैसा हालत कैसी थी जी और आपको कैसे मतलब ये आपको अपॉर्चुनिटी मिला कि सबसे पहले उनके साथ बजाए। जी जी उसकी पहले वाली थोड़ी जर्नी मैं आपको बता दूं कि वो उसके बाद मतलब 80 बहुत से संगीत बजाए। ये एकचपाला भावगत जो संगीत नाटक या गडकरी जन्म शताब्दी के टाइम मैंने 500 प्रयोग उनके बजाए, और अलग अलग जगह, मतलब पूना भी नहीं, बहुत बहुत घूमा मैं उनके साथ। एक तो उसके पहले भी उसके बाद भी तोमी नवेश करके जो मराठी नाटक है प्रभाकर, मैं बहुत वो तोमी नवेश नाटक में एक महाराज का एक सीन है, तो उसमें दो चार अभंग वो खुद गाते थे और मेरे साथ गाने के लिए शिवानंद पाटिल जी थे उसमें, तो उसके भी प्रयोग हमने बहुत बजाए। फिर छोटे 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 प्रोग्राम तो मैं करता था, ये बंडोपन 16 जी क्लारनेट वादक उनके साथ मैं अच्छा बहुत धर्मस्थल भी गया, चिमोगा भी गया, बहुत गया। उस टाइम मुझे वो 10 रुपए देते थे, मुझे याद है। तो संगीत नाटक की शुरुआत हुई। पिताजी ने हमें पहले कीर्तन कीर्तन की संगत करने के लिए भेजा था। मतलब वो कहते थे कि जो जो कला जो तबला वादक कीर्तन बजाता है वो सबके साथ बजा सकता है, क्योंकि उस टाइप के कीर्तनकार जो बड़े थे, मतलब जिनके साथ मैंने बजाया, तो वो लोग ऐसे थे कि आपको पता है कीर्तन में इतना अलर्ट रहना पड़ता है तबला वादक को कि फट से वो बुआ जी क्या शुरू करेंगे पता नहीं होता, और कौन से ताल में बजाएंगे गा रहे हैं वो भी पता नहीं होता है। तो वो अलर्टनेस की एक कीर्तन से और संगीत नाटक से, क्योंकि संगीत नाटक हम जब लोग बजाते हैं तब इतना डिस्टेंस होता है, एक तो स्टेज के ऊपर थे और नीचे हमें बैठना है तबला, तो वो सम पकड़नी है, सम तो छोटी नहीं है। तो उसके पहले वो संगीत नाटक पूरा उसका डायलॉग भी याद होना चाहिए आपको, तो वो आदत लग गई। तो तब से मैं मेरा शुरू भी हुआ। उससे पहले मैं बालोद्यान आकाशवाणी में बजाता था, युववाणी में बजाता था। वाह फिर 88 में, 1988 में पहली बार मैंने सवाई का पहला परफॉर्मेंस है साथ हुआ। तो अरे वाह वो संगत सुन के भीमसेन जी खुश, मतलब बहुत उनको आया था। तो उन्होंने मुझे नहीं, उन्होंने मुझे मेरे पिताजी को वहीं पे सभा के अंदर फेस्टिवल में उन्होंने पकड़ लिया, ऐसे उनकी आदत थी। तो उन्होंने कहा कि भरत कड़े से वजन आए, मुझे
माला जे वजन हवा है ते भरत में आए, जो मुझे चाहिए वो उसके पास है, अगर परमिशन हो तो मैं उसको संगत के लिए ले लूं क्या, ऐसे उन्होंने पिताजी से पूछा था। तो पिताजी ने कहा अभी ते म्हणले की आता हे वजन आणखीन घट्ट कसं करायचं हे तुमच्या हातात आहे। तर भीमसेन जी ने कहा की नाही आप ऐसे, ते म्हणले मराठी मध्ये असं कोड्यात बोलू नका, तुमची परवानगी आहे की नाही। ते म्हणले मैं तो यही क्षण की राह देख रहा हूं कि आप कहा कब बुलाएंगे। तब तक उन्होंने मुझे ऐसा किसी कलाकार को उन्होंने कहा नहीं कि मेरा लड़का बजाता है, मेरा लड़का बजाता है, आप उसे ले लो, कहीं नहीं। सबका एक टाइम होता है और जब तुम्हारा टाइम आएगा तभी आपको बजाना है, उसके पहले किसी के आगे झुकने के लिए जरूरत नहीं, झुकना मतलब उनके पीछे लगने की जरूरत नहीं, झुकना ये अलग बात है, झुकना तो विनम्रता से झुकना ही है, लेकिन उसके लिए आजकल लोग पीछे लग जाते हैं कि आप मुझे बजा दीजिए, आप मुझे ले लिए, तो वो टाइम नहीं था वैसा। तो मेरा टाइम जब आया तो उन्होंने डिमांड की पिताजी से, और तब से मैं 89 से उनके साथ शुरू हो गया, और मेरा पहला प्रोग्राम तिलक स्मारक में पूना में संतवाणी, उसमें किस्सा हो गया था, पहली बहुत था। पहले से बचपन से मैं उनको देखते आ रहा हूँ, उनका टेंशन नहीं था, स्टेज फियर बिल्कुल नहीं था क्योंकि मैं बजाता था पहले से। लेकिन एक होता है ना कि वो एक इतने बड़े हिमालय के साथ हमें बजाना है, एक तो वो टेंशन था। तब मैं गया वहां पे, वो आए नहीं थे ग्रीन रूम में, तो मैंने अपना तबला और बाया निकाला, और मैंने वो बहुत चढ़ा हुआ था बाया, मैंने उसके ऊपर एक हाथ मार दिया तो वो फट फट गया। अरे बाप रे बाप, वही टेंशन की वजह से। क्यों वो मुझे तब नहीं मालूम हुआ किस वजह से हुआ है, कि वो अंदर एक टेंशन था इनके साथ बजाना है तो अपना वाद्य भी अच्छा होना चाहिए, तो मैंने इतने जोर से मारा उसको तो वो फट गया। अरे बाप रे बाप, जी जी जी, थोड़ा भरत जी का इंटरनेट कनेक्शन में कुछ इश्यू है लगता है। एक मिनट में वापस उनको ऐड करने के लिए कोशिश करता हूं। क्षमा कीजिए क्योंकि इंटरनेट कनेक्शन के वजह से। हाँ भरत जी, यस जी, हमारे पूना में बहुत बारिश भी हुई है, इसकी वजह से वो थोड़ा वाईफाई का प्रॉब्लम है। जी जी जी, तो आपने पूछा ना कि वो पहली बार वो टेंशन क्या होता है, तब मुझे पता नहीं था, लेकिन वो अभी मैं याद कर रहा हूँ तो मुझे लगा कि वो टेंशन की वजह से ही हुआ था। कुछ बजाने वाला बाया ऐसे कैसे फट जाएगा। तो फिर वापिस मैं घर आया, दूसरा बाया लेके वापिस, तब तक वो आए नहीं थे मेरे लिए, वो अच्छा हुआ कि तब तक वो आए नहीं थे ग्रीन रूम में, अगर उन्होंने वो देख लिया होता तो फिर मेरा तो कुछ और कुछ प्रॉब्लम हो जाता। तो वो 4 घंटे की पहले संतवाणी मैंने बजाई। वाह, उसमें तो आपको पता है कि वो जय जयराम कृष्णारी आधा घंटा 25 मिनट कम से कम गाते थे। जी, 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 तो शुरुआत वहां से हुई, फिर
नहीं, क्योंकि वो लास्ट उनके 2007 वाला प्रोग्राम जो वो भी मैंने बजाया, तब तक वो जर्नी उनके साथ हुई और बहुत बहुत सीखने को मिला, बहुत नाम मिला, क्योंकि भीमसेन जी के संगतकार है, ऐसे एक अलग सी पहचान मेरी हो गई, बस वो उनका आशीर्वाद है। नहीं, इसीलिए और जब मैं मुझे, हाँ नहीं सॉरी मैं टोक रहा हूँ, कि मुझे जब मैं था, शुरू हुआ था, मैं 21 साल का था, और मेरे में और उनमें तो बहुत डिफरेंस था, ज्ञान का भी डिफरेंस था, बहुत ही, मतलब वो वहां पे थे और मैं यहाँ पे था, अभी भी यहीं पे हूँ, लेकिन उन्होंने ऐसा कभी मुझे महसूस करवाया नहीं कि आप मेरे से बहुत छोटे हो, आप क्या बजाएंगे, ऐसा कभी नहीं हुआ। वो मेरे लेवल पे आके मेरे मेरे से बात करते थे, ये उनका बहुत बहुत ही बड़प्पन था। कि आपने भी देखा होगा कि किसी, अगर छोटा बच्चा भी उनसे मिलने आए तो भी वो इतने अदब से बात उससे करते थे, तो कभी ऐसा मुझे महसूस भी नहीं हुआ कलाकार के साथ बजा रहा हूं। तो वो मेरा जो टेंशन वाला मामला था तो उन्होंने कम कर दिया, बस, तो उन्होंने ही किया। क्या होता है, क्योंकि आप इतने, मतलब एक भीमसेन जी, मतलब हम सब, मेरे ख्याल से ऐसे कोई कलाकार नहीं है जो ये फील्ड में जो भीमसेन जी को मानता नहीं है, कि ऐसे कि सब लोग बिल्कुल उनको मानते ही है, जो भी कलाकार, जितने भी बिल्कुल बड़े कलाकार होने दो, भीमसेन जी का एक ऐसा हम लोगों, मतलब एक उनका आशीर्वाद सबको, आई मीन अरे बिल्कुल आप तो जानते हैं, मुझे भी काफी कुछ उनका आशीर्वाद पर्सनली भी बहुत मिला बिल्कुल, है। हम तो बैंगलोर में हम मिले हैं, जब आप पुट्टपर्ति गए थे हम लोग। जी हाँ जी, तानपुरा बैठने का सौभाग्य मिला, तब भी मैंने देखा बिल्कुल आपको पता है कि कभी उन्होंने ऐसा नहीं बोला कि छोटा बच्चा है, छोटा लड़का, नहीं तो बिल्कुल उन्होंने नहीं, मुझे अभी भी याद है कि मैं तुमको सिर्फ तानपुरा बजाने के लिए नहीं बुलाया हूँ, गाने के लिए जी बुला, मतलब करेक्ट, ये एक, मतलब इतना वो है कि एनकरेजमेंट, उनको जिंदगी ये सच्ची में, एनकरेजमेंट बहुत बहुत कमाल की है, बहुत बहुत एनकरेज करते थे, और हर एक कलाकार, वो तो उनकी खासियत थी, और सबको, मेरे को, मैं क्या सूझ नहीं रहा है कि मैंने 18 साल जो उनके साथ बिताए हैं वो मेरे बहुत बड़ी पूंजी लाइफ में, और सिर्फ मैं उनके साथ स्टेज पे था ऐसा नहीं, मैं पूरे जर्नी में, होटल में, या फिर उनके उनके जो विचार थे गाने में, या उनके बाकी आर्टिस्ट के प्रति जो भावना थी या आदर था, वो भी बहुत सीखने को मिला, बहुत कुछ बातें सीखने को मिली, बहुत कुछ, मतलब उसमें तो आप जानते हैं कि कलाकार कैसे होना चाहिए, उन्होंने तो बहुत हमें चाहिए, गायक को चोर बनना पड़ता है, कि दूसरे में वो अच्छा, वो हमें चुराना चाहिए और अपने अपने स्टाइल में गाना चाहिए। जी, सही है, सही सही सही। और मेरा दूसरा ये है कि आप भीमसेन जी के साथ इतने साल बजाए हैं, और उसके बाद और एक हमारे, मतलब पूजनीय बोल सकते हैं कि गाना सरस्वती पंडिता किशोरी ताई अमोनकर जी के साथ, वो जी, और आपने जब, मालिनी मालिनी ताई के साथ भी, मालिनी राजदुर्गा जी के साथ भी, काफी काफी बहुत साल बजाए हैं। बहुत बहुत साल हुए। जी, पता है मुझे। किशोरी ताई जी के साथ कैसे आपका, मतलब शुरू हुआ, कैसे उनके साथ आप बजाने लगे, और कैसे आपका एक्सपीरियंस रहा उनके साथ? मुझे याद है कि जब भी उनके लाइव प्रोग्राम में सुनता था तो जी मुझे वो बहुत अंदर से ऐसे वो पैशन थी, मतलब एक बार इनके साथ बजाना है, एक बार इनके साथ बजाना है। जी तो और मुझे ये भी पैशन होता है कि ये हर एक को अनुभव आता है कि अगर कोई आप नेचर के पास आप कोई एक इच्छा व्यक्त की है आपने, तो जी 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 वो नेचर पूरा करता ही है, ये पूरा मेरा विश्वास है। जी जी तो
उसके पहले रघु दादा से मैंने बहुत बार कहा था कि अरे नहीं माला कभी तेरी टाइम भरो वाजवाई से, तो मतलब उन्होंने कहा कि आएगा कभी तो आएगा वो टाइम, मुझे कभी तो आएगा वो कब आएगा मुझे भी पता नहीं, लेकिन वो आएगा, उसको भी पता था। तो वो जो 2002 में मैंने पहले, अरे वाह, हाँ वो उन्होंने चन्ना ने बुलाया था ना उनको जी, जो है उससे पहले मैं भूल गया हूँ कि मेरा करियर जो शुरू हुआ 88 के पहले, करियर शुरू हुआ पंडित जितेंद्र अभिषेकी जी के साथ, उनके घर में मैं हमेशा रियाज के लिए जाता था 86। तो 1986 से मैंने, क्योंकि उस टाइम सुभाष मेरे बड़े भाई इतने बिजी थे के साथ, मतलब मालिनी राजुलकर जितराज जी और बड़े आर्टिस्ट एनरा, यहाँ पे वो अब्दुल अलीम जाफर खान या सबके इंस्ट्रूमेंटल के साथ भी बजाता था और सबके साथ बजाते थे वो। फिर ऐसा हुआ कि अभिषेकी बुआ जब 84 में पूना में आ गए, उससे पहले वो बम्बई में थे, तब बुआ ने उनको कहा कि अरे आप तो बहुत बिजी है तो मैं क्या करूँ, तो सुभाष ने कहा मेरा छोटा भाई भी बजाता है जी आप उसको ट्राई करके। जी तो मैं वहां रियाज के लिए जाने लगा, पहला प्रोग्राम मतलब एज अ करियर, एज अ बड़े आर्टिस्ट देखा जाए तो मेरा पहला परफॉर्मेंस जो है वो अभिषेकी बुआ से शुरू हुआ है। ये बात तो सुधीर जी ने बताया था, आप और जी सुधीर जी इसमें साथ में बड़े आर्टिस्ट के बिल्कुल, पहला प्रोग्राम आपका। रामकृष्ण मठ में 87 में, जी, उन्होंने बताया था। जी तो वहां से शुरू हुआ। और मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है कि अभिषेक बुआ ऐसे वर्सटाइल आर्टिस्ट थे कि जो आदमी, जो कलाकार, जो तबला वादक उनके साथ बजा सकता है वो किसी के साथ भी बजा सकता है वाह बिल्कुल, क्योंकि इतने, और उनके भी हर एक प्रोग्राम 4 घंटे के थे, होते थे। एक तो मुझे याद है पूना में 88 एक प्रोग्राम ने 3 प्रोग्राम बजाए, वो मतलब आज रात अगर सम्मानो आज रात बीजे मेडिकल पूना में प्रोग्राम है, कल सुबह पूना में सुबह का प्रोग्राम है और वो भी 4 घंटे का, और उस दूसरे दिन शाम को कोल्हापुर में है, मतलब सुबह का प्रोग्राम करके दोपहर बाबा 1 बजे हम लोग कोल्हापुर गए और फिर शाम का प्रोग्राम हुआ। तो वो स्टैमिना था अभिषेक की बुआ, तो उनकी वजह से ये मुझे स्टैमिना अगर देखा जाए बुआ की वजह से ही है। तो वहां से मेरा जर्नी शुरू हुआ था जी, वो। नहीं मैंने मैंने और आपका करियर ग्राफ देखा है मैंने काफी। मैं जी आपसे करीबन अभी मेरे ख्याल से 20-25 साल का तो हमारा एक साथ संगत बोलते हैं, हमारा साथ संगत तो चल रहा है इतना साल से। जी आपने भीमसेन जी हो, किशोरी ताई हो, मालिनी ताई हो, आजकल आप वेंकटेश जी, अश्विनी ताई और जयतीर दादा, ऐसे रघु दादा, आनंद दादा, सबके साथ मतलब राशिद भाई के साथ मैंने बहुत बजाया है, इसके साथ, सॉरी राशिद राशिद खान, राशिद भाई के साथ। उनके भी 100 प्रोग्राम मैंने बजाए हैं। अरे वाह, देखिए हाँ आपका मतलब करियर, आप इतने लोगों के साथ बजाए हैं और इतने सब गुणी कलाकार हैं, उनके साथ जी आपका संगत हुआ है। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, आप इतने लोगों के साथ बजाए हैं तो जी रिक्वायरमेंट अलग होता है। कुछ जी आर्टिस्ट बिल्कुल आपको कुछ नहीं बोलते, कुछ आर्टिस्ट बोलते हैं नहीं कम बजाओ, कुछ बोलते हैं नहीं आप ज्यादा, जो आपको चाहिए आप बजा सकते हो। कुछ लोग बोलते हैं कि किसी जगह पे बजाओ, जब भी हम लोग जो जी उपज लेते हैं या बोलता लेते हैं तभी तुम बजाओ। तो जी एज एन अकम्पनिस्ट व्हाट इज द प्राइमरी, जी मतलब सबसे इम्पोर्टेंट आपको क्या लगता है एक तबला अकम्पनिस्ट के लिए होना चाहिए? जी उसका थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड आपको बताता हूं कि जब मैं 87-88 में बजाने लगा अभिषेक जी के साथ, तो एक थोड़ा वो यंग ब्लड जो होता है, मतलब
मैं क्या बजाऊं, ये बजाऊं, वो क्या क्या बजाऊं, वो भी मुझे बहुत, क्योंकि मैं मेरे बड़े भाई को फॉलो करता था और उनको बहुत फॉलो करता था। तो फिर दो तीन बार ऐसे हुआ, अभिषेक की बुआ ने स्टेज पर मुझे डांटा है कि वटेल से बाजू में रखा हो, तो मुझे वो पता नहीं चलता था कि मेरी वो क्या गलती है, मुझे उस टाइम पता नहीं चलती थी। तब मैंने ये होने के बाद मैं घर घर में आके पिताजी से पूछता था कि उन्होंने स्टेज पर ऐसा क्यों कहा, तो पिताजी ने मुझे कहा कि आपने क्या बजा के दिखाइए, और उस टाइम कौन सा राग था, कौन सी बंदिश थी, बंदिश का भाव क्या है, बंदिश का अर्थ क्या है, वो आप सब मुझे, और आपने क्या बजाया। तो मैंने वो दिखाया कि मैंने ये बजाया, तो पिताजी ने कहा कि उनका डांटना बिल्कुल सही था स्टेज पे, क्योंकि आपको वहां पे बजाने की जरूरत ही नहीं थी, फिर भी आप घुस गए, तो आपको डांट तो खानी ही पड़ेगी, क्योंकि आपको ये ध्यान देखना है कि बंदिश क्या कहती है, बंदिश का भाव क्या है। तो ये समझ तब नहीं थी मेरे में, तो तैयार बजाने की धुन में था मैं कि ये बजाऊं वो बजाऊं, लेकिन उसकी जरूरत नहीं थी ना संगत के लिए, गाने के लिए ये पोषक नहीं था। आपने जो अभी छेड़ा कि संगत कैसी होनी चाहिए, तो हमारे पिताजी की जो सीख थी कि मराठी में मैं दो तीन बीच में मराठी भी बोलने वाला हूँ, गळ्याच वजन हाताला आणि हाताचं वजन गळ्याला जेव्हा ते एक रूप, ये कहने में बहुत आसान लगता है लेकिन करने में बहुत मुश्किल है, कि गले का वजन हाथ को और हाथ का वजन गले को, जब ये एक साथ मिल जाए तभी एक जिनसी संगत होती है। और उनका कहना था कि दिल पे पत्थर रख पड़ता है वादक को, मतलब गायक लोगों की तान बोलतान, उसकी लयकारी, उसकी सरगम हम लोग बजा सकते हैं लेकिन नहीं बजानी है, ये जो बंधन है। पिताजी कहते थे कि संगतकार के लिए तीन आवश्यक चीजें हैं दिमाग में, हमेशा जब आप संगत के लिए बैठते हैं तब आपको ये तीन बातें बिल्कुल ध्यान में पूरे जन्म में रखनी चाहिए, एक बात है, दूसरा बात है बंधन, और एक पहला बात थोड़ा कट गया, बंधन बंधन एक ही तीन बातें हैं लेकिन इसमें तीनों में बंधन ही है, आप कंट्रोल रखना चाहिए, आपको संयम रखना ही चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि आपकी सरगम मैं बजा सकता हूं लेकिन नहीं बजा। एक मिनट भरत जी, जी पंडित जयदेव मेवंडी जी हमसे जुड़े हैं और आपको नमस्कार बोल रहे हो। अरे नमस्कार, नमस्कार जी, जय हो। अरे उनके साथ तो, उनके साथ जो मेरा ट्यूनिंग है वो कमाल का है, मतलब सच में काफी काफी सुना है मैंने। तो मैं कह रहा था कि हमेशा बंधन में रहना पड़ता है। किशोरी ताई की आपने बात कही, तो उन्होंने, जब मैं शुरू हुआ तो मैं, उनका पहला प्रश्न मुझे था मराठी तेने जल बाळ तीन तालाच्या मात्रा किती, म्हणलं ताई सोळा, तर म्हणे मी गाताना 17 दिल्या तर तू काय करणार। अरे नाही करा दूंगा। अरे क्योंकि, तो उन्होंने कहा कि यही संगतकार का काम है, मेन आर्टिस्ट को ओपन नहीं कि माला उघड़े पाड़ू नको स्टेज वर, मतलब ये संभाल लेने की जो बात है वो वैसा कभी हुआ नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर ऐसा हुआ तो आप क्या करेंगे, आप अगर 16 देंगे तो मैं ओपन हो जाऊंगी पब्लिक के सामने। तो ये बातें जो है, इतना बेमालूम होना चाहिए एक ट्यूनिंग, को पता भी नहीं चले कि ये कहीं गलती हुई। तो ये संगतकार का बहुत पहला धर्म है, मैं ऐसे मानता हूं कि उसमें बाकी कुछ आर्टिस्ट का उसमें अलग उनका मत होगा, लेकिन मेरा हमेशा है कि
हमें सबको संभाल लेना ही है, और वो ऐसे लेना है कि उनको भी पता ना चले। नहीं, आपका मैं वही बता रहा था कि आपका ग्राफ जो मैंने देखा है कि आप मतलब ऐसे दिग्गज कलाकारों के साथ आप, जी और मैंने ये भी देखा कि आप यंगस्टर्स के साथ जो आज के जैसे जी मैं हूँ या मेरे साथ भी आपने काम, हम लोगों ने साथ में प्रोग्राम्स गाए, और जी मेरे जो नेक्स्ट जनरेशन है अभी जो उभर के आ रही है तो उनके जी साथ भी आप बजा, ये आपका बड़प्पन है। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि काफी नहीं 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 बड़प्पन नहीं, मैं भी सीख रहा हूँ क्योंकि वो तो है, लेकिन क्या है अभी हम जैसे लोगों को जब आप जैसे कलाकार हमारे साथ बैठते हैं तो हमें भी एक अलग ऊर्जा होती है, क्योंकि आप इतने सीनियर मतलब आप इतने साल से बजा रहे हैं, इतना एक्सपीरियंस है आपको, और आप जी इतने अलग अलग तरीके का जो गाने वाले हैं उनके साथ बजाया, तो आपका जी एक्सपीरियंस हमें हेल्प करेगा जब भी हम गाएंगे, तो हमें डेफिनेटली इट गेट्स लॉट ऑफ यू नो पॉजिटिव एनर्जी हम लोगों को मिलता है। तो ये बिल्कुल आप, ये आप पहले के कलाकार में और आज के कलाकार में कुछ फर्क देखते हैं आप? देखते हैं तो क्या फर्क दिखाई देता है आपको एज एन अकम्पनिस्ट? नहीं, बहुत अच्छा फर्क है मेरे को लग रहा है, क्योंकि बहुत ही प्रॉमिसिंग आर्टिस्ट आजकल हैं, बहुत रियाजी भी हैं, तो मुझे मजा आता है मतलब जल्दी से, क्योंकि वो जानबूझ के करना नहीं पड़ता है, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती है जब आपके साथ मैं बजाता हूँ, जब आपका गाना शुरू होता है तो मेरा कनेक्शन वहां भीमसेन जी के साथ चला जाता है। अरे हाँ, क्योंकि वो जो फ्रेजेस हमने इतनी बार सुनी है, आप अलग ढंग से गा रहे हैं फिर भी वो फ्रेजेस वहां पे जाती है, वो जो संस्कार हमें हम सुनते आ रहे, तो वो जो संस्कार होते हैं तो उसकी वजह से आपसे भी कनेक्शन जुड़ जाता है उनसे, तो वो जो इन्वॉल्व और सभी लोग अच्छे गा रहे हैं। जी नहीं, एक एक बात हमें ऐसे भी सुनने को, मैंने काफी लोगों के साथ मेरा डिस्कशन जब भी म्यूजिक संगीत के बारे में होती है तो जी आपका जो ठेका है वो ठेका के बारे में ही लोग बोलते हैं, क्योंकि ये बहुत ही कम एकम्पनिस्ट में, स्पेशली वोकलिस्ट को मैं बोल रहा हूँ, बहुत ही कम एकम्पनिस्ट ऐसे है जो आपके जैसा और जो स्पेशली मुझे सबसे बेहतर आपका वो लगता है कि एक और दूसरा मात्रा पे जो गैप रखते हैं उसमें बीच में कुछ दिन तक दिन तो नहीं होता आपका इसमें, ये टी टक टक पक पक टक टक टिंग, ये जरूरत नहीं है ना जी। तो इसका फायदा मुझे, मैंने बताया ना कि वो पिताजी ने करके लिया है, धा आ धा आ, ये इसका फायदा मुझे संगत में हो रहा है कि वो जो धा दूसरे धा और धिन के बीच में वाला जो अंतर है, मराठी मध्ये त्याला अवसान म्हणतात किंवा अंतर, वो अगर आप बैलेंस नहीं कर पाए या फिर आपको वो पकड़ नहीं पाए तो फिर आप उसमें भरना शुरू होता है, फिर धा तेरे के दिन तिरकट दिन, जरूरत नहीं है ना, क्योंकि आप जो अलापी कर रहे हैं उसमें तिरकट कहाँ आता है, और ठेके में तिरकट है नहीं, मेरे पिताजी कहते थे ठेका में तिरकट नहीं है, तो आप क्यों दे रहे हैं उसमें? इसकी मैं एक्सपीरियंस मैं बताना चाहता हूँ, इधर जब भी भरत जी मुझे मेरे साथ बजाते हैं मैं कभी भी ऑब्जर्व करता हूँ, मैं एक और दूसरा एक 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 कोई कोई फ्रेज गा के दूसरा फ्रेज गाने के बीच में जब भी गैप रहता है उसमें वो कभी कभी वो बेस तबला का सा बजाते हैं, वो इतना माहौल क्रिएट करता है, वही तो बहुत ही मतलब मैं तो भाग्यवान समझता हूँ कि आप जैसे कलाकार मेरे साथ बजाए हैं जी। वो सुर का तबला जो है वो तानपुरे का काम करता है जी, जी सच्ची, और हमारे म्यूजिक में पॉजेस के लिए बहुत महत्व है जी, जी,
बहुत जो असर जब श्रोता पर पढ़ने के लिए जो पॉज देना बहुत, और उस पॉज में हम लोग अगर डिस्टर्ब करने लगे आपको तो आपकी आने वाली जो फ्रेज है, आने वाली आपकी जो सोच है वो ब्रेक हो जाएगी फिर। और हर एक आपकी, मैं अगर आपके हर एक बोलतान या हर एक सरगम आप बजाने लगा हूं, या भी आलापी में भी हम लोग, या कई कबार आप सम पे आते हैं तो तिश्र तिश्र से आते हैं, या चतुर्श्र से आते हैं, फिर संकीर्ण से आते हैं, तो फिर ये काम हम लोग कर सकते हैं। लेकिन अगर बार बार मैं करने लगा तो आप आगे की, तो मैंने कहा वही तो बंधन मामला जो है ना वो उसी पे है, वो दिल पे पत्थर रख के बजाना पड़ता है। वो हमारे पिताजी और मेरे उनके पिताजी, मतलब उनके गुरु शांता प्रसाद जी, तो वो हमेशा कहते थे गाना बजाना बहुत कठिन मामला है, ये दिल पे पत्थर रख के बजाना पड़ता नहीं, है। और मेरी तो हर एक के साथ रोज परीक्षा होती है, वो छोटा हो या मोटा, कोई बड़ा आर्टिस्ट हो, क्योंकि हमें तो पता नहीं। और लय, बहुत कलाकार जो है वो लय भी नहीं देते, मतलब दूसरी मात्रा बताते नहीं, हमें ही जाननी है। आप जो मुखड़ा कहते हैं उसमें आपकी लय दिखनी चाहिए, तो वो दिखती है। और मतलब उदाहरण के तौर पे, तो लगन में दिख गई ना लय, लय लगन धारा दिन, वो लगन आप जैसे डालेंगे ना, तो आपने लगन को लेंथ बढ़ा दिया, क्योंकि मेरा ध्यान तो उसी पे होता है कि आप लघु मात्रा कैसे देते हैं। लगन एक दो भी चल गई ना, तो आपने वो लगन लेंदी किया, तो मैं भी बढ़ा दूंगा उसका दूसरी मात्रा। तो जी, ये सब ध्यान देना पड़ता है। हमारा समय भी खत्म हो रहा है, तो अरे बातें बाप, तो आपके साथ बैठेंगे तो काफी वक्त हम लोग बात बात कर सकते हैं, क्योंकि आपका मेरा, एक्सपीरियंस तो है। हाँ मेरा जो भीमसेन जी, ये जो सब्जेक्ट है ये मेरे लिए बहुत, मतलब मैं बहुत दिन उसके बारे में बोल सकता हूँ, क्योंकि ये 1 घंटे में होना बहुत मुश्किल है, कि या किसी भी टाइम के साथ होना। 2-3 बातें मुझे जल्दी से बतानी है कि हम लोग जो औरा औरा नाम का शब्द हमेशा किताब में नहीं तो भरत जी, हम एक काम करेंगे, आए। मेरे से सब लोग भी उसके लिए उत्साह से भरे कि आपसे सुनने के लिए, 1 मिनट इसको कट करता हूँ और वापस नया चालू करता हूँ, तो हम आराम से ठीक है, 10-15 मिनट और बात कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू प्लीज ज्वाइन अस अगेन, बिकॉज वी आर गोइंग टू गेट लॉट ऑफ गुड थिंग टू लर्न अबाउट भीमसेन जी एंड किशोरी ताई फ्रॉम भरत दादा। थैंक यू वेरी मच। मंदार भाई नमस्ते। जी भरत जी, सॉरी सॉरी सॉरी। जी बताइए बताइए। अभी जी आप लोग वापस हमसे जुड़े हैं, बहुत सारे कलाकार जुड़े हैं, मैंने नाम जी सबका नाम लिया अभी, तो जी हाँ जी बोलिए प्लीज, वी आर ऑल ईगर टू हियर। हाँ नहीं, मैं कह रहा था क्या कि बताइए। एक तो भीमसेन जी के बारे में तो बहुत किस्से हैं, इसके लिए हमें बहुत 24 घंटे बैठना चाहिए, क्योंकि 18 साल के किस्से तो बहुत है। एक उनका मतलब वो एनकरेजमेंट और सपोर्ट के बारे में वो मेरे साथ जो हुआ वाला किस्सा है, कि 1984 में शोभा गुड्डू जी का सवाई में प्रोग्राम था, उनका गाना, तो पंडित जी ने मुझे फोन करके बताया था कि आज तुम्हें आज रात को शोभा गुड्डू जी के साथ आपको बजाना है। तो मैंने कहा मैंने कभी बजाया नहीं है, मैं तो ते मंडले, अरे ते मैं हूं ना आपके साथ, आप क्यों घबरा रहे हैं। अरे मतलब वो वाह जो सपोर्ट था, जी, और मुझे याद भी है ग्रीन रूम में शोभा जी आ गई और तानपुरे पहले से
पंडित जी ने मिला के रखे थे, क्योंकि वो उनकी बहुत खासियत थी कि हर हर एक कलाकार को वो तानपुरा खुद मिला के देते थे, मैंने ओके देखा। तो शोभा जी आ गई, उन्होंने कहा, उनसे पूछा कि मेरे साथ कौन बजाने वाला है, ऐसे हाथ था उनका। तो अभी भी मुझे वो क्षण याद है, भीमसेन जी ने ऐसे हाथ रख के कहा था कि माझ्या बरोबर जो वाजव तो तुम भी तुला देणार आहे। हाँ, क्या बात है, वाह। ये मुझे याद है, बिल्कुल बिल्कुल याद है ऐसे कि माझ्या बरोबर जो वाजव तो मी तुला देणार आहे। शोभा जी ने कहा, अरे मैं तो काही प्रश्नच नाही, अरे वाह आप कह रहे तो मैंने अपने झुक के उनको प्रणाम किया कि मैं भरत कामत जी का लड़का हूँ। तो अरे आप तुझे बापा ने तो मजे और भरपूर वाजवले। सर ओ क्या मणिचंद बात। जी। तेज वाला था, मतलब वो जो एक एनकरेजमेंट थी, या फिर वो जो कॉन्फिडेंस था उनको कि मैं बजा सकता हूँ, वो बहुत बड़ी बात, बहुत ही बड़ी बात। और एज अ ह्यूमन बीइंग मुझे एक बहुत बहुत एक याद बतानी है। वैसे तो बहुत बातें है, एक उससे पहले मैं बताऊंगा कि मैं ऐसा अकेला अकंपनिस्ट हूं कि जो भीमसेन जी के साथ हैदराबाद मुंबई बैठ के आ गया हूं ओ इंडियन एयरलाइंस के। ये क्या बात है। सौभाग्य किसी को नहीं मिला है, नहीं, भीमसेन जी का और किस्सा तो आगे भी। आप ही आए उसमें, तो आप सच्ची में आप भाग्यवान है। हाँ, और आगे किसी को मिलेगा मुझे पता नहीं, क्योंकि कॉकपिट में किसी को अलाउ होता ही नहीं। एकमेव कलाकार और एक ही आदमी ऐसे थे जिनको कॉकपिट वहां पे जाने के लिए मज्जाव नहीं था। हुआ क्या है कि हैदराबाद में प्रोग्राम था, 91 की बात है ये, हैदराबाद में प्रोग्राम था, और वालावलकर जी थे हमारे साथ, माउली टाकळकर भी जी थे। तो सबके पता नहीं कि सबके फ्लाइट के टिकट्स थे, और मेरा उन्होंने निकाला नहीं, ऑर्गेनाइजर ने, ऐसा कुछ हुआ। तो उस समय उन्होंने जो कहा था, ये वो भी मुझे याद है, कि ते म्हणले, अरे तुझं तिकीट नाही काढलं तरी चालेल, मी तुला कॉकपिट मधनं नेतो। ओ तो वो उनके दिमाग में था कि मैंने इसको कमिट किया है कि मैं कॉकपिट में बिठा के ले लूंगा। तो बस हम अरे लोग जब ऊपर गए, तो अंदर गए तो शुरुआत, एक तो बात उड़ने के बाद, सेटल होने के बाद दोनों अंदर चले गए, तो वहां पे एक बोर्डस करके पायलट थे इंडियन एयरलाइंस के, अभी भी है वो उनके बहुत फैन है। तो उन्होंने हम लोग दोनों पीछे बैठे थे, पायलट के पीछे दो सीट्स होती हैं, जी उसके पीछे हम लोग बैठे हैं। इट वॉज जस्ट लाइक हेवन, मतलब मैं तो बता नहीं सकता कि ये क्या अनुभव मैंने किया है, और वो भी भारत रत्न जी के साथ। मतलब तो बोर्डर्स पायलट जो थे, उन्होंने पंडित जी को ऑफर किया, पंडित जी चलाना है क्या, मैं उठता हूँ आप जाइए। तो भीमसेन जी को सब कुछ पता था, उन्होंने कहा कि आजकल क्या है, वो सब कंप्यूटराइज हो गया है, उसमें क्या चलाना है, ये तो सब बटन का मामला है, आप कुछ नहीं करते, आप खाली बैठे हैं और ये बटन दबा रहे हैं, तो ऐसे में मुझे नहीं चलाना है ये विमान, ऐसे उन्होंने बोला। वो भी उनको पता था, मतलब वो कहते हैं कि आजकल लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए जितना ध्यान होना पड़ता है उतना ही पायलट का है, बाकी सब वो सब कंप्यूटराइज है। तो हमारे उसमें स्कूल में, इसमें एक बताना चाहता हूँ, जो भीमसेन जी से सीखे, वो बोलते जी हैं कभी भी मुझे, वो भीमसेन जी अगर गायक नहीं होते थे, कौन सा भी फील्ड में हो, बेस्ट, करेक्ट, क्योंकि उनका इंटेलिजेंस लेवल इतना मतलब ऊपर था, इट वाज जबरदस्त आईक्यू था उनका, तो वो कौन सा भी जबरदस्त, फील्ड में रहे तो वो टॉप में रहते थे। उनकी मेमोरी इतनी जबरदस्त थी। हाँ वो तो है। 95 में हम लोग यूएस गए थे, तो उनको एक आदमी 50 साल के बाद मिले, काबुल में मिले थे वो, ओ तो मिलने के लिए आ गए, तो उनका नाम, उनका फोन नंबर, वो कहाँ रहते हैं, उनका रोड स्ट्रीट का नाम भी बता दिया उन्होंने, अरे जी, क्या बात। और ग्रीन रूम
में चाय कॉफी आ गई तो उनको ये भी याद था कि वो सब वो आदमी चाय नहीं लेते, वो कॉफी लेते हैं। मतलब इतनी मेमोरी जबरदस्त थी। क्या बात है, क्या बात है, क्या वो बात है। लंदन, लंदन अगर गए हम लोग तो लंदन के पूरे स्ट्रीट के नेम उनको याद है, कहाँ क्या मिलता है, कहाँ जाना है, वो सब कुछ याद है। एक तो और ड्राइविंग उनके जबरदस्त था। जी, वो मुझे पता है। और उनका वो भी ये याद, और एक उनका चीज मैंने ऑब्जर्व किया, वो कभी भी क्लासिक कौन सा भी बंदिश बुक पढ़ के नहीं गाते थे। वो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं, वो मैंने ऑब्जर्व किया है कभी भी। लास्ट प्रोग्राम में भी नहीं रखा। आपने अगर वीडियो देखा होगा जी। तो 2007 में मुल्तानी आधा घंटा गाए हैं, तो मतलब पिंटू ने बहुत अच्छी मन से, उन्होंने अभी बहुत थके हुए हैं ऐसे करके उन्होंने एक किताब आगे रख दी है ऐसे करके, तो उन्होंने मुझे बस नजर से कहा कि ये जो है ये मेरे लिए नहीं है, वो पीछे जाने दो उसको। वो मुझे नजर भी पता चल गया कि सही में। और जैसे आपने कहा कि भीमसेन जी के बारे में हम लोग बात करते रहेंगे तो पूरी रात। मुझे वो पता था, वो ऑरा करके जो मैंने देखा है, वो ऑरा क्या काम करता है कि स्टेज पे हम लोग सब लोग ऑटोमेटिकली इतने ट्यून्ड हो जाते हैं, और उस 3 घंटे में मैं पूरा भूल जाता था कि मेरे पीछे कोई पिताजी है, माताजी है, मेरा फैमिली है, ये सब मैं भूल जाता था कि वो जो हिप्नोटाइज करने वाली ताकत उनकी की थी, और वो सबको लेके जाने वाली जो उनकी खासियत थी, वो बहुत कमाल की थी। वो आजकल बहुत कम मिलती है, बहुत गिने चुने लोगों में मिलती है। ये अनुभव मुझे वेंकट जी के साथ आता है, ये अनुभव मुझे जयतीत के साथ आता है, ये अनुभव ताई के साथ होता था, किशोरी ताई के साथ, कि वो ऑरा क्या ताई है। के साथ थोड़ा आपका एक्सपीरियंस बताइए ताई के साथ। ताई का जो है, उन्होंने जो मैं काम करता था, मतलब जो हमारी बातें हुई कि धार दिन के दात बाद बीच में कुछ भरना नहीं है, जी तो उन्होंने वो मैं क्या करता हूं, मतलब धार दिन का मामला ये कैसे हैंडल करता है। और उनका भी एक लय का अंदाज बहुत जबरदस्त था, तो मेरा ध्यान एक आपने देखा होगा, कोई भी आप उनका वीडियो देखिए, वो स्ट्रिंग की तरफ से लय देती थी और उनका पैर भी चलता था ऐसे शुरू में, तो वो मुझे बस ध्यान देना है कि जहां उनको ऐसा ऐसा कभी होता था कि अगर लगता है कि नहीं उनको थोड़ी और खींचनी है लय, तो इतने पैर से बताती थी, बस वो तो सब नजर का मामला है। जी हमारा जो ट्यूनिंग होता है वो बहुत नजर से होता जी 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 सही है। बात आपको अगर कुछ कहना है तो आप एकदम गुस्से कहेंगे, वो ऐसे आप इशारा करेंगे जब सिर्फ वो मुझे पता चलेगा, वो उनसे उनसे होता था। और मैंने उनसे पूछा कि 2015 में उनके नाम का गाना सरस्वती संगतकार पुरस्कार मुझे मिल गया, तो मेरी मतलब माझी निवड त्यांनी का केली आहे मला माहिती नाही, तर मी त्यांना मैंने उनसे पूछा कि आपने इतने मेरे से इतने बड़े और आपके साथ तो उन्होंने बड़ा अय्यर ने बहुत साल बजाया हुआ है और लोगों ने बजाया है, तो संगतकार पुरस्कार के लिए मुझे आपने क्यों चुना। तो उन्होंने कहा, बाळ त्यांनी मराठी सांगितलं, बाळ तू टाळ्या घेण्यासाठी वादन करत नाहीस वाह क्या बात है। म्हणून तुझी निवड केली, आणि ते म्हणले तू जसा मी श्वास घेते आणि सोडते त्या बरोबरीने तू तुझा ठेका वाजवतोस हे मी ऑब्झर्व करते, गोष्टी त्यांनी सांगितल्या बस, आणि काय पाहिजे, म्हणजे आणखीन काही असूच शकत नाही। भीमसेन जी के साथ भी ऐसा ही हुआ ना कि वो हमारे मुंह पे कभी तारीफ नहीं करते थे। हमारे एक कॉमन मित्र हैं, नासिक का एक प्रोग्राम था, मैं और उदीर थे उनके साथ, तो प्रोग्राम होने के बाद उन्होंने उनको बताया कि
मेरे माझ्या गाण्यातली नस अन नस सुधीर आणि भरतला माहिती आहे. क्या बात. मतलब मुझे कहाँ ठेका देना है, कहाँ बजाना है, कहाँ वॉल्यूम कंट्रोल करना है, वो डायनेमिक साउंड जो दे वॉल्यूम का कम ज्यादा जो आपका जैसे ही हमें भी संगत के लिए होता है ना, जी 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 तो उनका वो ऑब्जर्वेशन था कि ये नस नस उसको पता चल गई है बस. और ये हमें उन्होंने बताया क्योंकि हमारे मुंह पे वो कभी तारीफ नहीं करते थे, और वो अच्छी बात है कि मुंह पे तारीफ नहीं की है उन्होंने, नहीं तो हम फिर ऊपर चले जाते फिर. मैंने ताई को इतना नजदीक से नहीं देखा है, लेकिन भीमसेन जी का एक बात मैंने देखी कि वो बहुत कम बोलते थे, बहुत ही बहुत कम बोलते. ताई बहुत का कम ताई का क्या था आपका एक्सपीरियंस? ताई भी नहीं, नहीं ताई ताई भी ज्यादा नहीं बोलती थी, बिल्कुल नहीं. और बहुत ताई के बारे में बहुत ही प्यार करने वाली, मतलब इतक्या प्रेमळ होत्या त्या. म्हणजे काही लोकांना असं ताईंचं एक वेगळं वलय आहे की ताईंशी बोलायला घाबरायचे लोक, पण मला कधी त्यांच्या बरोबर घाबरायला लागलं नाही, कारण त्यांनी इतकं सांभाळून घेतलं होतं. आणि बहुत प्यार करने वाली कलाकार थी, बिल्कुल मतलब माझ्या तर अगदी मुलासारखं प्रेम केलं त्यांनी. मतलब गाणी उनको क्यों कहना है वो मैंने स्टेज से अनुभव किया हुआ है. और ये जो बात है ना, ये अनुभव वाली बात है, जी जी, ये आप शब्द में नहीं बता सकते. नहीं बता सकते. क्यों क्यों उनको क्यों गाना सरस्वती कहना है, क्योंकि वो बिल्कुल गाते समय पूरी दुनिया वो भूल जाती थी जी. उनका एक किस्सा लास्ट प्रोग्राम का मैं बताऊं आपको जी. 26 मार्च 2017 वाला प्रोग्राम जी, दिल्ली में. दिल्ली में शुरू में उन्होंने कहा था, वो उनकी थी, उनकी जो जो भी गाना है, अगर भूप गाना है तो प्रोग्राम के पहले एक महीना हमेशा. वाह. आज भी मतलब इतने साल उन्होंने भूप गाया है जी. फिर भी वो एक महीना उसकी प्रैक्टिस करते थे. तो ग्रीन रूम में हम लोग आ गए तो भूप की शुरुआत की जी. दो आवर्तन कि आज भूप नहीं जम रहा है. अरे. तो मैंने हिम्मत करके ताई को पूछा कि आप इतने सालों से भूप गा रही हैं जी, फिर भी आप आज को ऐसा आज आप गा नहीं सकती. तो उन्होंने मुझे बताया कि ऐसा है कि मराठी मध्ये सांगतो कि त्या म्हटल्या की ही राग देवता आणि रंग देवता ती मला स्टेजवर कधी उलटी करेल सांगता येत नाही. ते म्हणले मी इतके वर्ष जरी भूप गायले असले तरी तो भूप मला केव्हा उलटा करेल सांगता येत नाही. आणि मी जर असं मस्तीत आज क्या आहे मी इतके वर्ष भूप गायले मला काय किरकोळ आहे अशा पद्धतीने जर मी तिथे स्टेजवर माझं बिहेवियर केलं तर वो गाई नहीं भूप, पुरिया धनाश्री गाई. देखो आप, मतलब जिस भूप को उन्होंने इतने साल उसकी पूजा की है जी. फिर भी वो कह रहे हैं कि लेजेंड. हाँ, का भूप मतलब लेजेंड बिल्कुल. फिर भी वो लास्ट प्रोग्राम के लिए कह रहे हैं कि ये भूप मुझे आज मैं नहीं गा सकती हूँ क्योंकि वो मुझे नहीं जम रहा है. मुझे लगता है भरत जी, ये जो ह्यूमिलिटी है भीमसेन जी का हो या किशोरी ताई का हो, इसी के वजह से मुझे लगता है कि ये लोग इस मकाम पे पहुंचे हैं कि हम लोग सिर्फ कि क्या मतलब उनका इतने बड़े पर्सन. क्योंकि मुझे याद है जी 72-73 एज में भी प्रैक्टिस करते थे. बिल्कुल. विदर्शन के लिए जाते थे आप? कभी कभी जाते थे उनके घर पे? मैं हमेशा जाता था क्योंकि जब ये शिष्यों को सिखाते थे उसमें माधवगुड़ी जी थे, श्रीकांत देशपांडे जी थे जी, सीखने के लिए. और कई हफ्ते में दो तीन एक एक ऐसे उन्होंने तय किया था. मैं तो सेपरेट बुलाना है माधव जी को. माधव जी आते थे तो दो उनके पास रहते थे घर में ही.
तो उनका जो आउट हाउस है वहां पे उनकी तालीम को भी आउट हाउस में तालीम दिया जाता था। जी बाद में कॉमन तालीम जो होती थी उसके उसमें फिर आनंद बाटे जी, फिर ये बाकी सब लोग थे, आनंद को भी सेपरेट तालीम उन्होंने दी है। उसके लिए भी मैं रियाज के लिए जाता था, तो उन्होंने रियाज कभी छोड़ा नहीं अपना। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। हम जैसे म्यूजिक स्टूडेंट्स जो जो भी देख रहे हैं, बिल्कुल जो जो ये वीडियो आगे देखने वाले हैं, कि जी रियाज कभी हम लोग को छोड़ना नहीं चाहिए। वो रियाज बिल्कुल इसलिए मुझे लगता है कि ऐसे किशोरीता ही एक ही है, इनका हाँ कोई बिल्कुल आगे ऐसे होने वाले मुझे तो नहीं लगता है, ना भूत हो ना भविष्य। उनकी छोटी छोटी बातें जो मैंने उनसे सीखा है और आपने भी देखा है, बहुत बार उसकी चर्चा भी हुई है, लेकिन मैं थोड़ा सा उसका पॉइंट आउट करता हूँ जो मैं मुझे पता नहीं कि वो बातें मेरे अंदर कितनी गई, लेकिन वो जाने की कोशिश जरूर कर रहा हूं। जी मतलब वो गाने में ऐसे कहते, गाने मध्ये स्वतःला जेवढी भर टाकता येईल जी तेवढी, म्हणजे जितना समझ हमें हाँ जेवढा आपल्याला झेपेल तेवढेच लय असावी, उगदच गाडून लय टाकण्यात काही अर्थ नाही। कारण किराणा घराणा म्हणजेच आजदार स्वर, आणि त्याहीपेक्षा महत्वाचं म्हणजे असर करणारे स्वर। मतलब तो जो असर वाली बात जो थी उनमें, वो बहुत कम दिखती है आजकल। गाते सभी हैं, लेकिन असर जो है, आणि ते नेहमी म्हणायचं की स्टेज वर रियाज करू नका, गाणं ऐकवा। मतलब जो आपको अच्छा गाना है वो आप सुनाइए लोगों को, आप रियाज मत सुनाइए। रियाज आप घर में कीजिए, जी। रियाज करताना कधी सम सोडायची नाही, प्रत्येक आवर्तनाची सम, त्यांचं मी ते ऑब्झर्व केलंय, वो छोडते नाही ते, वो सम कभी नहीं छोडते ते। वो उनका वो कटाक्ष रहता था हर एक शिष्य को कि ये सम नहीं छोड़नी है, एक आवर्तन भी छोड़ना नहीं है, वो सम पे आना ही है बिल्कुल। तो ये मेरे लिए को मिला है उनसे, आणि ते म्हणायचं की माझी नक्कल करू नका, माझं अनु म्हणजे माझ्या फ्रेम माझं मॅनरिझम आणि माझ्या फ्रेजेस याचं तुम्ही, पण त्यातला कंटेंट जो आहे त्याची नक्कल तुम्ही कशी करू शकणार? तो जी तो माझा वो मेरा मजकूर तो माझा आहे, तो तुमचा कसा होईल? तुम्ही काहीतरी वेगळं गा, असं ते प्रत्येक शिष्याला सांगायचं। म्हणजे आनंद के लिए उन्होंने वही बताया कि आप मेरी आवाज मत निकालो, आप अपने धर्म से, आवाज है नेचुरल, उससे गाओ। आप मेरी नकल करोगे तो कुछ नहीं होगा। जाकिर भाई भी वही कहते हैं हमेशा, जाकिर जी हमेशा कहते हैं कि आप मेरी नकल क्यों करते हैं, मैं तो बन गया हूं। मुझे एक याद है प्रोग्राम में, एक साइन लेने के लिए आते हैं ना लोग, छोटे बच्चे, तो उन्होंने कहा जाकिर जी पंडित जी आपको देख के मुझे लगता है कि आपको मुझे आप जैसा बनना है। तो वो साइन लेते हुए बोल रहा था कि मुझे आप जैसा बनना है। तो जाकिर जी ने बताया कि अरे बेटा मैं तो बन गया हूं, आप मेरे जैसे कैसे बन सकते हो? करेक्ट आप मेरे से या मेरे से बड़ा बनने का सोचो, मैं तो बन गया हूं। तो मतलब नकल करके कुछ फायदा? वो जी कहते थे भीमसेन जी, हमेशा कहते थे गाणारा उत्तम चोर असायला पाहिजे। म्हणजे यस 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 ट्रू प्रत्येकानं सगळ्यातलं उत्तम घेऊन आपली भट्टी जमवली पाहिजे आणि आपलं रसायन बनवलं पाहिजे, आणि इतर कलाकारांचे गुण मला तर कधी कधी वाटतं की त्यांच्यापेक्षा त्यांचे गुण मला जास्त कळलेत, असं भीमसेन जी म्हणायचे। क्योंकि मैं उनका गाना इतना मैंने अपने ऑब्जर्व करता हूं हमेशा कि उनकी अच्छी बातें क्या है, मुझे भी ज्यादा पता। तो ते म्हणे थे कि शिस्त शिकवता येते, क्रम शिकवता येतो, प्रतिभा जी आहे ती कशी शिकू म्हणले।
आणि त्यातलं चैतन्य संक्रमित कसं करू, वो तो सिखा नहीं सकते ना, वो तो आप अनुभव की बात है। रियाज करताना गायकीकडे आणि स्वतःकडे आणि लोकांकडे लक्ष पाहिजे, की गाण्याचा काय परिणाम होतो याकडे लक्ष पाहिजे। आणि ते नेहमी म्हणायचे की दिलेल्या वेळेत चांगलं कसं गाता येईल, आपको तीस या आपको बजाना है तो 29 मिनट में आपका खत्म होना चाहिए, और जो आपको अच्छा आता है वही आप प्रेजेंट कीजिए। करेक्ट वो एक्सपेरिमेंट करने की जगह नहीं है वहां पर, एक्सपेरिमेंट करना है तो आप घर में करिए। स्पॉन्टेनियस गाना है वो, उनका गाना आप देखो, हर 10 साल के बाद उन्होंने अपना गाना चेंज किया है। वो मैंने भी सुना है, मैंने उनके बहुत से रिकॉर्डिंग, सब सुनते हैं, दुनिया सुनती है, कि आप 50s 60s 70s 80s 90s का सब रिकॉर्डिंग आप देखो, उसमें हर एक को अंदाज उनके गाने में है। एक तो 80s के बाद उन्होंने अपना गाना बदल लिया, जयपुर की तरफ गए वो सब, वो जो राग गाते थे वो पहले एक ताल में गाते थे, जब मैं शुरू हुआ था वो सब 3 ताल में गाते थे। तो ये खासियत, और उनकी जो मतलब केसर भाई की गाने से उन्होंने क्या लिया, मोगू भाई की वो जो तान है या गमक की तान जो है वो उनसे ली है उन्होंने। तो वो हमेशा कहते थे कि मैंने किन किन से क्या लिया है, क्योंकि ये जो मैं आपको बता रहा हूं, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि ये बातें हमें जर्नी में होती थी हमें। पता चलता है भरत जी कि सुनना कितना इम्पोर्टेंट है। बहुत बहुत हमारा तो खुद का एक गाना बनाने के लिए आप कितना, अभी जैसे आपने बताया उनके गाने में, भीमसेन जी के गाने में कितने, मतलब जयपुर के अंक कितने थे, ग्वालियर बहुत के, आगरा के कितने, और आगरा कर्नाटक भी दिखता है। उनका गाना हम बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो उन्होंने कहा था ना, वो तो आमिर खान साहब के भक्त थे। बिल्कुल, पूना में एक प्रोग्राम में आमिर खान साहब के पीछे तानपुरे पे बैठे हुए हैं, मतलब तब तो उनका नाम भी था, फिर भी वो आमिर खान साहब बोले भी उनको। नौवीं शाला स्कूल में वो प्रोग्राम हुआ था, मेरे पिताजी थे उस तो उन्होंने कहा कि, आमिर खान साहब ने कहा, अरे नहीं, आप क्यों बैठ रहे मेरे पीछे, आप तो इतने अच्छे कलाकार हैं। और एक बात बहुत उनकी खासियत है कि किसी ने कहा शुद्ध कल्याण सुनाइए, अमेरिका से, तो उन्होंने कहा शुद्ध कल्याण बस आपके पूना में जो भीमसेन जी है उनसे सुनिए, मेरे से मत सुनिए। अरे बाप, क्या बात, क्या बात, नहीं सही है, ये सब बातें हैं जो सच्ची में हम जैसे जो युवा कलाकार हैं, जो संगीत सीख रहे हैं, जी इसमें जी ये सब बहुत ही एक हम लोग को एक प्रेरणा है और हम लोग को रास्ता दिखाती है। और जी बिल्कुल है कि आपके साथ हम लोग काफी आज बातचीत हुई भीमसेन जी के बारे में और गायन के जी बारे में, एकम्पनीमेंट का जो आपका जो सोच है, क्योंकि हम नहीं, लोग मैं रोज रोज रोज, एक तो एसवी पटवर्धन जी बहुत अच्छे तबला प्लेयर थे, एसवी पटवर्धन, अरेकर जी, वसंतराव जी, मेरे पिताजी, लालजी गोखले, ये पुराने लोगों ने इतना काम करके रखा हुआ है, तो वो पूरा करने के लिए हमें बहुत बहुत जन्म लेने पड़ने वाले हैं, ये एक जन्म का बात है ही नहीं। और 10 दिन का अंतर अभी भी मुझे नहीं, मेरे को, मैं अभी भी बता रहा हूं कि जैसे पिताजी मुझे बताते थे कि वो धा धा और धिन, तो धिन उठा के लगाना है, वो आपका पड़ता नहीं अभी तक, उनको वो कहते थे कि वो धिन जो है जैसे वैसे, अभी भी मेरा नहीं बज रहा है, तो वो सीखने की बात तो चलती रहती है और वो ध्यान में होता ही है। जी, नहीं आपका अभी नहीं बज रही, आप बोलते हैं, लेकिन हम लोग सोचते हैं कि आपकी जैसे और कलाकार हो जो ऐसा ठेका वोकलिस्ट, हम जैसे वोकलिस्ट के लिए आगे, आप एक आदर्श कलाकार है सच्ची में, क्योंकि आपके ठेका
सब लोग, मैंने मैंने जितने वोकलिस्ट के साथ, वो दिल्ली के हो, कलकत्ता के हो, या बेंगलोर के हो, बॉम्बे के हो, पुणे के हो, बहुत ही कम लोग ऐसे ठेका बजाते हैं। भरत जी, हम सब लोग को आपकी ठेका ऐसे देने को मिले और आप ऐसे बहुत लोगों को गाइड करते रहिए, क्योंकि आपके जो एक्सपीरियंस है, इसके सामने मैं कभी भी बोलता हूँ कि नथिंग कैन रिप्लेस एक्सपीरियंस। जो एक्सपीरियंस है उसको आप बिल्कुल किसी से आप उसको आप रिप्लेस नहीं कर सकते। एक्सपीरियंस प्लेस अ बिल्कुल लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस। तो आप जैसे संगतकार ऐसे ही हम लोगों को आशीर्वाद देते रहिए। और बीच में टोकरा, इनके साथ मैंने बहुत साल बजाया है, उनके और भी बहुत उनके बारे में गया है, लेकिन हमें टाइम का बहुत थोड़ा सा ख्याल रखना है, क्योंकि मालिनी जी के साथ भी मेरा बहुत सालों का उनका उनसे ट्यूनिंग है, तो जी उनकी एज ए ह्यूमन बीइंग, कलाकार तो वो बड़ी है, लेकिन एज ए ह्यूमन बीइंग उनके बारे में, अभिषेकी जी के बारे में, या ये सब बाकी अगली फली जो है, मतलब अश्विनी ताई है, आरती अंकलीकर जी हैं, वेंकटेश जी है। जी वेंकट जी हैं, जी तो उनके साथ जो मेरा ट्यूनिंग है, ये भी बातें बहुत रह गई हैं, तो ये एक इंटरव्यू में पूरा होना बहुत मुश्किल है। मैं पक्का बोलता हूँ कि थोड़े जी दिन जरूर, में हम लोग वापस मिलेंगे, क्योंकि ये बहुत ही दिलचस्प बात रहा है। मैं सच्ची में बोलता हूँ, मेरा ये सातवां इंटरव्यू है और ये पहली जी बार ऐसे हो रहा है हमारा कि सेकंड सेशन में गया। नॉर्मली हम लोग का 1 घंटे में ही खत्म हुआ है तो इंटरव्यू, क्योंकि इतना सारे हम लोग को मिला आज। तो भरत जी, वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम। थैंक यू वेरी मच। और जो भी हमारे लिसनर से जो आज आप हमसे जुड़े हैं, उन सब लोगों को जी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और भरत जी, आप स्पेशली धन्यवाद, आपके आशीर्वाद मेरे ऊपर ऐसे बना रहे और आगे पे हम लोग अरे तो हम लोग आशीर्वाद, आशीर्वाद तो आपके गुरुजी के हैं ही, और हमारे ऊपर सब भीमसेन जी के आशीर्वाद हैं, तो प्रेम तो हमारा बना रहेगा, बस आशीर्वाद तो ऊपर वाले का है। बिल्कुल धन्यवाद। थैंक यू सो जी, मच। थैंक थैंक यू जी। यू।